सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक नया ऑप्शन आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में ऐड कर दिया गया है। किसके द्वारा? SOL के द्वारा। और एक नई फैसिलिटी है जो कि ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों के लिए की गई है। जो बच्चे ओपन बुक एग्जामिनेशन देंगे अपने स्टूडेंट पोर्टल पे, अगर वो अपनी आंसर शीट को अपलोड नहीं कर पाएंगे तो एक अनदर ऑप्शन आप लोगों को दे दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर में आप लोगों के लिए कुछ मेल की फैसिलिटी कराई गई थी, आप उस पर मेल कर सकते हैं, पर मेल सक्सेसफुल नहीं रहा, इसीलिए SOL ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अब की बार स्टूडेंट पोर्टल के अलावा भी एक नया पोर्टल आप लोगों के लिए बनाया है। इसके लिए मैंने वीडियो बना दी है, अगर आपको नहीं पता तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। बाकी इसके अलावा मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको इसके बारे में, ताकि आपको वो वीडियो अगर नहीं देखनी कम समय तो आप इस पर भी समझ सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में लॉग इन कर लेना है। स्टूडेंट डैशबोर्ड में जैसे ही लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक अलग से फीचर मिल जाएगा, इस पर लिखा हुआ है UG एग्जामिनेशन फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन, इसके बाद OBE 2021। अब ये फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हुआ है, UG कोर्स के लिए भी और PG कोर्स के लिए भी, दोनों के लिए। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद में आप लोग इस नई विंडो पे आ जाएंगे, देख सकते हैं आप, क्योंकि आपने अगर लॉगिन नहीं किया तो इससे पहले आपसे दो से तीन चीज़ पूछेगा आपसे, क्योंकि मैंने लॉगिन कर रखा है ऑलरेडी स्टूडेंट का। आपको इसमें से लॉग आउट होना पड़ेगा अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो, नहीं तो आप लोग जैसे लॉग आउट करोगे या आपका ऑप्शन वैसे स्टार्टिंग में ये वाले आएंगे जिसमें आप लोगों को अपना क्या क्या फिल करना होगा, SOL रोल नंबर इस पर, और इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर फिल करना होगा। इसके बाद में इस नंबर को ऐड करके कैप्चर की तरह इसको फिल करना है, और इसके बाद जैसे आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे आपका आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आप लोगों के लिए मैंने बताया था लॉगिन करते ही आप लोगों के लिए ये ऐसी स्क्रीन आ जाएगी और यहां पर आप लोगों के जो डिटेल्स है वो शो हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों के SOL रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, यहाँ आपका नाम, और यहाँ से नीचे आप लोगों के लिए ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ से अगर आप लोग अपना आंसर शीट को लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों ने एक बार इस पर गलत अपलोड कर दिया तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए भी केयरफुली। और नीचे आप लोगों के जो भी आपके शेड्यूल होंगे एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग, उसके यहाँ पर अकॉर्डिंग पेपर यहाँ पर शो होंगे। सो गाइज, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। बस इतना ही अपडेट था आज के इस वीडियो में, मिलते हैं गाइज आपसे अपनी अगली वीडियो में।